जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का naukrikhabar.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया पोस्ट ऑफिस यानी भारतीय डाक विभाग की तरफ से आ चुके MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ के पदों पर 2024 के लिए नई भर्तियों के नए नोटिफिकेशन के बारे में, जहां पर आप सभी के लिए भर्तियों के नोटिफिकेशन को आउट किया गया है। आपको बता दें, MTS के टोटल 37,539 पद खाली हैं, जिसके लिए आवेदन जल्दी शुरू होने वाले हैं। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं इस नोटिफिकेशन को ज़रूर से देखा होगा। आज से लगभग 10 से 12 दिन पहले इस नोटिफिकेशन को बहुत ज़्यादा वायरल किया गया MTS की न्यू वैकेंसी बताते हुए। कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। MTS के साथ पोस्टमैन और मेल गार्ड के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। आवेदन तो ऑनलाइन होंगे, कब होंगे इसके बारे में क्लियरिटी आपको इस वीडियो में मिलेगी। MTS के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है वो 10वीं पास का होता है, और अगर प्रमोशनल वैकेंसी है तो कोई भी क्वालिफिकेशन चेक नहीं किया जाता, क्योंकि जो JDS के पदों पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको ये जॉब ऑफर की जाती है। महिला पुरुष दोनों आवेदन करेंगे। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, भारत के किसी भी राज्य से आवेदन कर सकते हैं। नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि पिछले 3 सालों से यानी 2022, 2023 और 2024 मिलाकर टोटल 3 नोटिफिकेशन आ चुके हैं इन भर्तियों को लेकर। एक नोटिफिकेशन 2022 का था, दूसरा नोटिफिकेशन पिछले साल यानी 2023 का, और एक नोटिफिकेशन आपको 2024 का देखने को मिलने वाला है। तो कंप्लीट जानकारी देंगे, आखिरकार आपको इन भर्तियों के लिए आवेदन करने का मौका कब से मिलेगा, कौन कौन आवेदन कर पाएगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा, कैसे क्या सैलरी आपकी रहेगी, प्रमोशन के क्या चांसेस हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। बस आपको इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और आगे आने वाली वीडियो की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करिएगा। पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चल के इस वैकेंसी के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन देंगे, उसके बाद ही आपको जो है तो नोटिफिकेशन को ओपन करके डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको नए नोटिफिकेशन देखने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ताकि आपको फास्ट अपडेट मिलती रहे। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं। ये जो रिक्वायरमेंट है इंडिया पोस्टल सर्कल यानी डाक विभाग की तरफ से है और 2024 के लिए है। अधिक जानकारी के लिए गूगल सर्च करेंगे naukrikhabar.com, आपको हमारी नई वेबसाइट मिलेगी। और साथ ही साथ आपके लिए एक वेबसाइट बनाई गई सरकारी जॉब .net करके, आप उस पर भी विजिट कर सकते हैं। डेट्स के बारे में बात करें तो ऐसा जो है तो लग रहा है कि अगले महीने यानी नवंबर के महीने से आपके MTS के आवेदन शुरू होने वाले हैं। अब वो प्रमोशन के लिए होगा कि फास्ट जो आपकी फ्रेशर कैंडिडेट है उनके लिए होगा, इसके बारे में आपको आगे जानकारी देंगे। पूरे 1 महीने आवेदन चलेगा, ना कि 20 दिन जैसे JDS के लिए आवेदन होता है। उसके बाद अप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करें तो ये MTS की पोस्ट है, इसीलिए यहाँ पर आपको जनरल OBC EWS सभी के लिए 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, और बाकी जो कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जैसे SC ST PH या फिर फीमेल हैं उनको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो आपकी एज है यह JDS की जस्ट विरुद्ध रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी देखने को मिलती है, अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलेगा। इसीलिए कम से कम आपकी उम्र 18 और अधिक से अधिक 32 साल तक अलाउ की जाएगी, और MTS के लिए यही एज 27 साल तक है। छूट के साथ में 32 साल तक के कैंडिडेट आवेदन करेंगे। उसके बाद जो टोटल वैकेंसियों का आंकड़ा है वो 98,083 पोस्ट का था 2022 के अंदर, 2023 के अंदर और 2024 के अंदर। जो MTS की बात की गई है वहाँ पे आपको बताते हैं, इसमें से पोस्टमैन, MTS और साथ ही साथ मेल गार्ड के पद भरे जाएंगे। पोस्टमैन के लिए 59,099 और मेल गार्ड के लिए 1,445 और मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 37,539। फिलहाल जो आपका वायरल वैकेंसी है वो MTS है, यानी 37,539 पद। बाकी इन दोनों पदों पर कोई बात नहीं कर रहा, कोई डिस्कशन नहीं कर रहा, उसके पीछे क्या वजह है पता नहीं, पर MTS के लिए बहुत ज़्यादा वायरल नोटिस कर रहे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। क्वालिफिकेशन में थोड़ा समझिएगा, अगर आप JDS के पदों पर काम कर रहे हैं तो अगर आप प्रमोशन के अंतर्गत MTS में जाते हैं तो आपका कोई भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं तो आपका 10th पास यहाँ पे क्वालिफिकेशन चाहिए होगा। यहीं पे अगर आप पोस्टमैन और MTS के लिए काम कर रहे हैं, सॉरी मेल गार्ड के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आप अगर JDS की पोस्ट पर हैं तो 10th पास होना
कंपलसरी है। यहीं पे अगर आप फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं तो पोस्ट मैथ और मेल कार्ड के लिए 12th पास क्वालिफिकेशन रखी गई है। ऑल इंडिया लेवल की जॉब है, मेल फीमेल दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अभी इस महीने की करंट गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी अपने अपने क्वालिफिकेशन के बेसिस पे ले सकते हैं और जिस किसी भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं आवेदन भी कर सकते हैं। सैलरी इसकी अच्छी मानी जाती है, 25,500 से 86,100 रुपये तक की सैलरी आपको इजिली देखने को मिल जाती है। इसके बाद आपका सिलेक्शन है। देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर जो फ्रेशर्स कैंडिडेट हैं एसएससी के थ्रू उनके लिए वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएंगी 2025 में, ऐसा नोटिफिकेशन में दिया गया है। जब एसएससी की तरफ से वैकेंसी कंडक्ट कराई जाएगी तो आपको एग्जाम देना होगा, उसके बेसिस पे मेरिट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। यह आपको आगे हम क्लियर करेंगे, कैसे आप लोग आवेदन कर पाएंगे उसकी जानकारी है और यूजफुल इंपॉर्टेंट लिंक है, थोड़ा यहाँ पर आपको समझना है। हमने यहाँ पे दो आपको MTS के नोटिफिकेशन दे रखे हैं। एक्चुअल में यहाँ पे टोटल आपको 3 कम्बाइंड नोटिफिकेशन मिलेंगे, तीनों के बारे में हम आपको बताते हैं। पहला जो न्यू नोटिफिकेशन करके है वो 2024 का नोटिफिकेशन है, बाकी जो MTS और पोस्टमैन मेल गार्ड के नोटिफिकेशन यहाँ पे हमने दे रखे हैं ये नोटिफिकेशन पुराने हैं, जब ये वैकेंसी मतलब आने वाली थी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन इनको बोला गया था, जिसके अंदर केवल जानकारी दी गई थी कि इस समय पर कितने जो है तो वैकेंसियों के पद खाली हैं, कौन सी जगह पर कौन सी कैटेगरी में क्वालिफिकेशन है, क्या इसके लिए की एज है, क्या सैलरी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारी जानकारी यहाँ पे शेयर की गई थी। इसके अलावा एक नया नोटिफिकेशन भी 2024 में आया था, उसको भी हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, इसको जरूर देखिएगा। और ये जो नया नोटिफिकेशन है प्रमोशन वाली वैकेंसीज के लिए था, लेकिन हमने इसको अटैच किया। अब एग्जांपल के लिए आप जैसे मैं पुराना नोटिफिकेशन एक बार आपको डाउनलोड करके दिखा दूं, जैसे आप लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं नोटिफिकेशन आपके सामने PDF में डाउनलोड हो जाएगा। 2022 जैसे हमने बताया था, जब 2022 आखिरी था यानी नवंबर के महीने में 15 तारीख को इस नोटिफिकेशन को आउट किया गया और यहाँ पर कहा गया रिविजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्टमैन एंड मेल गार्ड रिक्वायरमेंट रूल 2022, यानी उस टाइम पर फ्रेशर्स के लिए वैकेंसियाँ रिलीज करनी थी, फ्रेशर्स और साथ ही साथ प्रमोशन वाली वैकेंसी भी इन्वॉल्व होनी थी, तब हमको ये जानकारी दी गई। 2022 की बात कर रहे हैं हम, जानकारी में ये था कि आपकी जो पोस्टमैन है उसके टोटल उस टाइम तक जो है तो 59,000 पद खाली थे, 59,099, और यहाँ पे आपको 21,700 से 69,100 रुपये का वेतन मिल रहा था। इसके लिए जो है तो 12th पास वाले कैंडिडेट एलिजिबल थे, 18 से 27 साल आपकी उम्र थी, लेकिन जो GDS के पदों पर काम कर रहे हैं वो 10th पास है तो भी आप लोग आवेदन कर सकते और यहाँ पर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आपको मेल गार्ड की वैकेंसी भी बताई गई, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको मेल गार्ड की वैकेंसी थी, 1,445 पोस्टें थी, 21,700 से 69,100 रुपये की सैलरी थी और सेम क्वालिफिकेशन सेम एज लिमिट यहाँ पे भी आपको दिया गया था। इसके बाद हम MTS का पुराना नोटिफिकेशन ओपन करते हैं, तो अभी हमारे पास पोस्ट ऑफिस का MTS का जो रिक्वायरमेंट का नोटिफिकेशन था 2022 में ही, ये सितंबर महीने में आया था, सेम डॉट नोटिफिकेशन की यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मल्टीटास्किंग स्टाफ रिक्वायरमेंट रूल 2022, और हमको ये बताया गया कि यहाँ पे जो आपका नोटिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग MTS की टोटल 37,539 पोस्टें तब तक खाली थी, ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ में। इसके लिए लेवल 1 में आपकी सैलरी थी और यहाँ पे 10th पास यानी 10th स्टैंडर्ड पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यहाँ पे आवेदन करेंगे, 18 से 25 साल की आपकी उम्र और नो को एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रामीण डाक सेवक एंड कैजुअल लेबरर, यानी कि यहाँ पे कोई भी क्वालिफिकेशन जो JDS के पदों पर है उनको नहीं चाहिए था। बाकी यहाँ पे आपका सिलेक्शन वगैरह के बारे में भी जानकारी दी गई थी। ये तो हो गया दो पुराने नोटिफिकेशन के बारे में। अब जो अभी 2024 का नोटिफिकेशन है जिसको वायरल किया जा रहा, फर्स्ट नंबर पे है, इसको क्लिक कर जो ब्लैक है उसको आपको क्लिक करना है, ठीक है। अभी हमारे सामने वो नोटिफिकेशन ओपन होने वाला है। देखिए आज से लगभग 3 से 3.5 या फिर 4 महीने हो गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जून 12, 2024 के दिन इस नोटिफिकेशन को आउट किया गया और यहाँ पे बोला गया कि फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ MTS पोस्टमैन मेल कार्ड 2024 वैकेंसी ईयर, यानी जो पहले के वैकेंसी हैं वो सारी की सारी अभी भी अनफिल्ड हैं, उनको भरा नहीं गया, इसकी वजह से इनको भरा जाना है 2024 में, ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन आउट किया। क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिलिंग ऑफ वैकेंसीज ऑफ MTS पोस्टमैन मेल कार्ड 2024 वैकेंसी ईयर, इसके बाद यहां पे बहुत सारी बातें बताई, मैं आपको डायरेक्ट यहां पे बता देता हूं कि इनका कहना एक्चुअल में क्या है। कुछ वैकेंसी तो देखिए प्रमोशन के बेसिस पे भरी जाएंगी और वो भरी भी जा रही हैं, जब आप लोग न्यू नोटिफिकेशन पे जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। बाकी यहां पे इनका कहना यह भी है कि 2024 के अंदर जितनी भी वैकेंसी अनफिल्ड होती हैं जो नहीं भर पाती हैं उनको जो है तो अगले साल 2025 में, अगर मैं इस लाइन पर फोकस करूँ SSC इन द ईयर, यहां पर कहां से मैं बता दूं आपको, देखिए यहां पर देखिएगा सर्कल आर एडवाइज टू कंप्लीट दी एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट प्रोसेस ऑफ 2024 वैकेंसी ईयर एट द लिस्ट सो दैट इन्फॉर्मेशन ऑन अनफिल्ड वैकेंसी इज,
अवेलेबल फॉर रिपोर्टिंग एज वेन आस्क्ड एसएससी इन द ईयर ऑफ 2025। इनका कहना है कि सभी सर्कल को एडवाइस है कि वो जो है तो एग्जामिनेशन अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो भी हो सबको देकर उनका पूरी की पूरी मतलब वैकेंसियाँ जितनी भी खाली हैं उनको भरें। 2025 में एसएससी जब इनसे डेटा मांगेगा पोस्ट ऑफिस से कि आप बताएं कि आपके यहाँ पर पोस्टमैन मेल कार्ड एमटीएस के कितने पद खाली हैं, फिर ये एसएससी को डेटा देंगे और एसएससी उन भर्तियों को जो है तो पूरा लाइव लेकर आएगी आपके सामने एज अ फ्रेशर कैंडिडेट और वहाँ पे आपको जो है तो आवेदन करने का मौका मिलेगा। सेम चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि एमटीएस हो चाहे पोस्टमैन हो चाहे मेल गार्ड हो, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी होगी क्योंकि एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम टफ लेवल का होता है। तो इनका कहने का मतलब कुल मिला के ये है कि 2024 के अंदर जितनी भी प्रमोशन के थ्रू वैकेंसी फिल हो सकती हैं उनको फिल करें और इसके बावजूद जो वैकेंसियाँ बची रह जाएंगी उनको एसएससी अगले साल अपने नोटिफिकेशन में शामिल करके जो है तो एग्जाम लेगा। आपको ये तो पता है कि वैकेंसी कम नहीं है, 1,00,000+ वैकेंसियां हैं अगर तीनों फॉर्मेट को ऐड करें, यानी कि अगर हम यहां पर ऐड करते हैं पोस्टमैन मेल गार्ड और एमटीएस को तो 1,00,000 से ज़्यादा पद हैं। 1,00,000 में से लगभग 10,000 से 15,000 पद प्रमोशन के भर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो अगले साल भारी मात्रा में ये भर्तियाँ आएंगी। हो सकता है कि इसी साल आपको कोई नया नोटिफिकेशन देखने को मिले और अगले ही महीने देखने को मिले, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है। जितना ये जो है तो इसको वायरल कर रहे हैं उतना ज़्यादा अपडेट नहीं है। तो ये मैंने कंप्लीट अपडेट दे दी पिछले सालों से लेकर अब तक की। उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।